नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। समाजवादी नेता, वरिष्ठ चिंतक, विचारक शरद यादव याद किए गए रीवा में। आज हम आपको बता, बीते दिवस शरद यादव की मौत हो गई, उसके बाद पूरे देश के साथ रीवा में भी उनको श्रद्धांजलि देने का तांता लगा रहा। रीवा में भी समाजवादी नेताओं ने अपने नेता को याद किया, उनको याद किया जब उनसे मिले थे, उनके कुछ संस्मरण भी हमने उनसे पूछे। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। रीवा में याद किए गए प्रखर समाजवादी नेता शरद यादव कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर महापड़ाव स्थल पर। हम आपको बता दें, शरद यादव का रीवा से काफ़ी पुराना नाता रहा। शरद यादव कई बार रीवा आए, हमारी टीम ने शरद यादव से मुलाकात करने वाले कुछ लोगों से बात भी की। रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बसोर समाज के महापड़ाव में आज शरद यादव याद किए गए। वहां पर शरद यादव को याद करते हुए कई लोग भावुक भी हो गए, हमने कुछ लोगों से बात की। आज आप शरद यादव जी को किस तरीके से याद कर रहे हैं? क्योंकि शरद यादव जी दलितों, शोषितों, पिछड़ों के एक मसीहा थे, किसानों की आवाज़ थे, और कल उनका रात्रि को निधन हो गया। वो कई बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और उन्होंने पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन को लेकर के जो बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा है वो पूरा देश जानता है, पूरा इतिहास गवाह है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हम लोग आज यहाँ महापड़ाव स्थल पर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके सिद्धांतों पर के बताए अनुसार हम लोग जो है जो हमारा ये मिशन यहाँ पर चल रहा है उसको हम पूरा करेंगे। और उन्हीं सब महापुरुषों के, जो आज महापुरुष हमारे यहाँ इस देश दुनिया में नहीं हैं और जिन्होंने इस दलित शोषित समाज के लिए काम किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उन्हें दिशा देने का काम किया, उनको हम इसी तरह यहाँ नमन करेंगे और उन्हीं के बताए अनुसार हम जो है अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। नेता जी से मिलने का हमें कई बार मौका मिला, लेकिन जब मैं एक बार भोपाल में गेस्ट हाउस में बैठा था, पिछड़े जाति की महिलाओं के आरक्षण की बात आई थी, उन्होंने कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि हमारे लोगों के ना रहने पर यहाँ पे लड़ाई ये जारी रहेगी, हक महिलाओं को, पिछड़ी जाति की महिलाओं को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करोगे। हम लोगों ने कहा था कि आपके रहते आपके जीते जी पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जैसे ही सुबह भोर में हमें पता चला, हमारे बालक ने बताया कि पापा जी शरद यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है, उस समय से हमको ये बात याद आई कि यदि शरद यादव जी ने इसी तरह की कह के गए थे और हमारे इस देश की पिछड़ी जाति की महिलाओं ने आरक्षण से वंचित रह गई, शरद यादव जी ने इस पिछड़ी जाति के साथ साथ गरीब और किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया। बाढ़ नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह शंखू है। उन्होंने बाढ़ सागर जैसी परियोजना को भी देने। शरद यादव जी जब हम पढ़ रहे थे तो पदमधर पार्क में आए थे, हम छात्रों को एक जत्था लेके गए थे और उनको माला चढ़ाने के बाद पैर छुए तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और दो बात बोले कि हमें याद है कि देश में पैर छूने की संस्कृति बंद होनी चाहिए और ख़ासकर युवाओं को जितना जोर भगवानों पर दिया जा रहा, उनके कृत्यों पर दिया रहा जा रहा है, यदि भारत भूमि में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं और उनके क्या विचार रहे हैं, यदि उनको आप पढ़ लो तो देश संभाल सकते हो, समाज संभाल सकते हो। क्या नाम है आपका? ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।